बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल कुकिंग विद आमना में। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम डिफरेंट से शामी कबाब बनाएंगे। आज हम आलू के शामी कबाब बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इनका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार होता है। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबाने तक मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आलू के शामी कबाब बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू वाले शामी कबाब बनाने के लिए मैंने पाँच छह दर्द आलू लिया, उन्हें छील लिया है। ये एक पाव हमें चने की दाल चाहिए। इसके अलावा 6 से 7 हरी मिर्चें, चम्मच साबुत गर्म मसाला, 1 चम्मच हमें साबुत धनिया चाहिए, 1 चम्मच नमक की, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच जो है हमें लाल कुटी हुई मिर्च चाहिए। हम चने की दाल डालेंगे। अच्छा, हमें आलू डाल देंगे और ये सब हैं, इसमें ये सारे ड्राई मसाले डालेंगे। हम इसमें पानी डाल देंगे। अब मैं ऐसे आधे से पौने घंटे के लिए जो है वो दाल और आलू को जो है गलने तक पकने दूंगी। चने की दाल और आलू जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं और पानी भी खुश हो गया। अब मैं इसे चॉपर में डाल के जो है सारे मसाले को पीस लूंगी। इसी तरह से मैंने कबाब का जो मसाला है ये मिक्सिंग में डाल के इसे पीस लिया था। और इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया हमें कर लेंगे और हरे धनिया को भी जो है वो सारे मिक्सर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके हम कबाब तैयार कर लेंगे। मैंने धनिया को जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है सारे मिक्सचर के अंदर। अब हम कबाब जो है वो तैयार कर लेंगे, कबाब के शेप दे लेंगे। तो इस तरह से जो है वो मैं सारे कबाब जो है वो बना के प्लेट में रखती जाऊंगी। इसी तरह बाकी जो है वो मैं सारे बना लूंगी। मैंने सारे कबाब जो है वो बना लिए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। कबाब को फ्राई करने के लिए ज़्यादा अंडा है, अंडे लगा के जो है वो हम कबाब फ्राई करेंगे। तो मैं अंडे को अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अब हम कबाब फ्राई कर लेंगे अंडे में डिप करके। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है। कबाब को जो है वो अंडे में डिप करके फ्राई कर लेंगे। एक साइड से जब गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसी साइड को चेंज कर लूंगी। एक साइड से ही अच्छी तरह से गोल्डन हो गया, मैं इस साइड को जो है वो चेंज कर लूंगी और दूसरी साइड से भी इसी तरह हम गोल्डन होकर फ्राई कर लेंगे। हमारे कबाब जो हैं दोनों साइडों से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। देखें, मैं प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरह बाकी प्लेट जो है वो भी फ्राई कर लूँगी। हमारे ज़बरदस्त से शामी कबाब जो हैं फ्राई हो चुके हैं। ये हमारे ज़बरदस्त से आलू के शामी कबाब तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और बिल्कुल इनका टेस्ट जो है वो आपको गोश्त के शामी कबाब जैसा आएगा, जैसे आप बीफ या चिकन के शामी कबाब बनाते हैं। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।